नमस्कार दोस्तों, माय मोबाइल सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मेरे पास एक फ़ोन आया है जिसका मॉडल है रेडमी 8A और इसका प्रॉब्लम है डेट कंडीशन में मेरे पास आया है और मदरबोर्ड का हालत जो है वो आपका सामने ही हम खोल के दिखा रहे हैं। हालांकि ये एक शॉपकीपर का फ़ोन है तो काम तो किया हुआ ही है। तो चलिए आज हम इसका फॉल्ट फाइंड करने का कोशिश करते हैं और फ़ोन को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। बने रहिए पूरे वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप हम चेक करते हैं। देखिए पहले तो हम चार्जिंग में लगा कर देखते हैं कुछ एम्पेयर ले रहा है या नहीं ले रहा है। देख सकते हैं आप कुछ भी एम्पेयर इस पर नहीं ले रहा है। उसके बाद बैटरी चेक कर लेते हैं, बैटरी में चार्ज है कि नहीं है। देख सकते हैं बैटरी में चार्ज तो है, 388 बैटरी में चार्ज है। एक बार बैटरी कनेक्टर को भी चेक कर लेते हैं, 387 40 और दूसरा तरफ दिखा रहा है 964 69 37। इससे तो कुछ पता नहीं चल रहा दोस्तों। चलिए एक बार हम डीसी पावर सप्लाई में लगा के चेक करते हैं। देखिए जब भी डीसी पावर सप्लाई में लगाए 2 एम्पेयर तक कंज्यूम हो रहा है, करीब करीब 2 एम्पेयर तक, 1.946 2 एम्पेयर तक कंज्यूम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पर फ़ोन शॉर्ट है और 110% इतना एम्पेयर जब ले रहा है तो फ़ोन जो है हीट ज़रूर होगा। चलिए थोड़ा महसूस करते हैं, करने की कोशिश करते हैं कि हीट कहाँ से हो रहा है। PMI के यहाँ पर तो मेरे को हीटिंग लग रहा है। और एक बार ट्राई करते हैं, कंफर्म हो लेते हैं। देखिए PMI की तरफ ही हीट हो रहा है। तो चलिए पहले तो देखते हैं कि PMI शॉर्ट है या फिर दूसरा कुछ शॉर्ट है। पहले तो PMI का पास जो भी कैपेसिटर लगा हुआ है एक एक करके चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर जो कैपेसिटर है ये शॉर्ट बता रहा है, दूसरा नंबर जो है वो भी शॉर्ट बता रहा है, ऊपर का जो है ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो फिलहाल तो 2 कैपेसिटर शॉर्ट बता रहा है। एक बार PMI आप देख सकते हैं, PMI 632। एक बार हम इस जगह पर रोजोन अप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि कोई कैपेसिटर हीट हो रहा है या फिर ऐसे ही हीट हो रहा है। देखिए हमने रोजोन को अप्लाई कर दिए हैं, सिर्फ इसी जगह पर किए हैं। और यहाँ पर फिर दोबारा यहाँ पर डीसी पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करेंगे। देखिए कनेक्ट कर लिए और डीसी पावर सप्लाई का लाइन अभी तक नहीं दिए हैं। डीसी पावर सप्लाई को वोल्टेज नहीं अप्लाई किए हैं। पहले हम सॉकेट को लगा लेते हैं ठीक से। देखिए लगा लिए, देखिए जब भी हम ऑन करेंगे इस एरिया पे कुछ ना कुछ तो हीट जरूर होगा। देख सकते हैं आप PMI जो है वो हीट हो रहा है। हम दोबारा और एक बार रोजोन अप्लाई करके दिखाते हैं, हम भी चेक कर लेते हैं, कंफर्म हो जा कर लेते हैं कि PMI हीट हो रहा है या फिर बगल में जो
कैपेसिटर लगा हुआ है वो हीट हो रहा है। देखिए फिर से रोजो नंबर अप्लाई कर लिए और देख सकते हैं आप PMI हीट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, PMI हीट हो रहा है तो आपको PMI पे ही काम करना पड़ेगा या फिर PMI चेंज करना पड़ेगा। हम पहले तो कंफर्म होते हैं कि PMI मेरा शॉर्ट है या फिर दूसरा कुछ जगह से इशू है, क्योंकि PMI से होते हुए लाइन बहुत जगह पर डिस्ट्रीब्यूट होता है वोल्टेज, तो दूसरा जगह पर शॉर्ट होने से भी PMI हीट दिखाते हैं कभी कभी। पहले तो क्या करेंगे, PMI का बगल में जो कॉइल लगा हुआ है हम उस कॉइल को निकालेंगे और उस कॉइल का कौन सा सिरा शॉर्ट है ये चेक करेंगे और वो कनेक्शन कहाँ कहाँ पर जा रहा है हम वो भी चेक करेंगे। चलिए पहले हम कॉइल को निकाल लेते हैं। देख सकते हैं आप ये जो कॉइल है हम इसको पहले तो निकालते हैं और निकालने के बाद देखते हैं कि कॉइल का कौन सा हिस्सा शॉर्ट है। वो देखिए निकाल ली कॉइल, बोर्ड को थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे और यहाँ पर हम हीट यूज़ किए हैं 340 और AR70 और मेरे पास ब्लू आर जो है या फिर आप हॉट एयर भी बोल सकते हैं क्विक 2008D+। यहाँ पर एक कैपेसिटर जो है वो थोड़ा हिल गया है तो हम पहले तो इसको ठीक कर लेते हैं। आपको ये सब छोटा छोटा चीज़ को ध्यान देना पड़ेगा जब भी काम करते हैं, जो भी कैपेसिटर निकल जाता है या फिर हिल जाता है आप उसी टाइम में उसको पहले लगा लीजिए। देखिए कैपेसिटर को हम जहाँ पर था वहाँ पर लगा लिए। अभी सिंपली मीटर से चेक करेंगे कि कौन सा लाइन जो है वो शॉर्ट है। देखिए ऊपर वाला तो रीडिंग आ रहा है, देखिए ऊपर वाला मेरा ठीक है रीडिंग आ रहा है और नीचे जो है एक मिनट ऊपर ठीक है नीचे भी देखिए नीचे वाला शॉर्ट है। नीचे वाला जो लाइन है वो शॉर्ट है। तो चलिए एक बार बोर्डनियो में आपको चेक करवा देते हैं कि PMI से कौन सा लाइन है और नीचे का जो लाइन है वो कहाँ कहाँ पर जाता है तो आपको भी थोड़ा कंफर्म हो जाएगा। देखिए बोर्डनियो पहले से हम ओपन करके रखे हैं और ये जो सिरा है यहाँ पर शॉर्ट नहीं है। देखिए ये जो सिरा है यहाँ से PMI का लाइन आता है। हम जूम करके भी आपको थोड़ा दिखाते हैं और नीचे वाला जो हिस्सा है वो शॉर्ट दिखा रहा है तो वहाँ पर जब भी हम क्लिक करेंगे तो वो लाइन कहाँ कहाँ पर जाता है वो बता देगा यहाँ से। देखिए लगभग सारे सेक्शन में नेटवर्क में 4G IC पे पावर सप्लाई पे सब जगह पे ये लाइन जा रहा है। तो पहले तो सब जगह पे रोजोन ट्राई करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। आप पूरा चाहे तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके आपका भी अगर सेम जगह शॉर्ट है तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पर ए लाइन जा रहा है और उसके बाद हम पूरा मदरबोर्ड पे तो रोजन अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादातर सेट में नेटवर्क ऐसे या फिर 4G ऐसे ये सब जगह ही हीट होता है, ठीक है। तो एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं कौन कौन सा जगह शॉर्ट दिखाता है मेरे को। ये सिर्फ 3 सेक्शन में हम पहले तो रोजन ट्राई कर रहे हैं, अगर इससे नहीं निकलता है तो हम दूसरा जगह भी यूज़ करेंगे रोजन। तो पहले तो हल्का सा हम रोजन दे रहे हैं और अगर किसी जगह शॉर्ट निकलता है तो हम आपको उसको उस जगह में ज़्यादा रोजन देके ज़रूर दिखाएंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना
और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए हम यहाँ पर कोई भी शॉर्ट किलर के यूज़ नहीं करेंगे, मेरे पास जो डीसी पावर सप्लाई है उसी को यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ उसमें वोल्ट दिए हैं 4 और एम्पेयर को 5 में रखे हैं। ठीक है, सिंपली मेरे को मैसेज हुआ कि यहाँ से थोड़ा धुआं निकला है, तो आपको दिखाते हैं कहाँ से निकला है धुआं। हाँ, इस जगह से थोड़ा धुआं निकला है, तो इस जगह में थोड़ा ज़्यादा सा रोशन देके आपको दिखाने का कोशिश करते हैं कि शॉर्ट एक्चुअल में कहाँ पर था और हीट जो है वो PMI हो रहा था। देखिए थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा रोशन दे दिया है और माइक्रोस्कोप से आपको दिखाते हैं ये कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट कर रहा है। देखिए आ गया यहाँ पर, देखिए IC के बगल में जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट दिखा रहा है। तो सिंपली हम इसको पहले तो निकाल लेंगे और निकाल के चेक करेंगे कि मेरा फ़ोन जो है इसका शॉर्ट निकला या नहीं निकला। देखिए ये कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा था, सिर्फ एक छोटा सा कैपेसिटर की वजह से पूरा फ़ोन जो है वो डेड हो गया। देख सकते हैं अब यहाँ पर कुछ भी शॉर्ट नहीं है, कुछ भी पावर या फिर कुछ कोई भी एम्पेयर यहाँ पर कंज्यूम नहीं हो रहा है, मतलब इसका शॉर्ट निकल चुका है। हम एक बार मीटर से भी नाप लेते हैं कि इसका शॉर्ट निकला है कि नहीं निकला है, कन्फर्म हो लेते हैं। पहले ऊपर वाला में रीडिंग आ रहा था और नीचे वाला में रीडिंग नहीं आ रहा था। देखिए अभी ऊपर में भी रीडिंग आ रहा है और नीचे में भी रीडिंग आ रहा है। अभी सिंपली यहाँ से जो कॉइल निकाले थे इसको हम यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे। और पहले टेक्नीशियन ने या इस मोबाइल पे ज़्यादा तो छेड़खानी नहीं किया है, थोड़ा बहुत सील को उखाड़ा है बस, उससे आगे कुछ काम शायद किए नहीं है। तो देखते हैं फ़ोन ऑन होता है कि नहीं होता है। और वीडियो अच्छा लगे तो मुझे बताना कमेंट करके कि इस वीडियो से आप नया कुछ सीख पाए, कैसे शॉर्ट मोबाइल का फॉल्ट फाइंडिंग होता है। और ऐसा नहीं कि दोस्तों कि आपको कोई IC शॉर्ट दिखा रहा है या फिर IC मेल्ट हो रहा है, IC गर्म हो रहा है तो IC ही शॉर्ट है, क्योंकि बहुत बार हमने क्या किया IC जब देख रहा है कि मेल्ट हुआ, सबसे ज़्यादा PMI में ही ये केस होता है। नेटवर्क वगैरह में अगर IC आपको हीट होता है तो IC डायरेक्टली आप चेंज कर दीजिए या फिर निकाल दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन PMI जो है, PMI में बहुत बार हमने देखे हैं कि अगर PMI हीट होता है तो 90% केस में क्या है, PMI शॉर्ट नहीं है, मदरबोर्ड का दूसरा किसी हिस्सा में शॉर्ट है। देखिए यहाँ पर कुछ पावर कंज्यूम नहीं हो रहा है, अभी बैटरी भी लगा के डायरेक्टली ऑन करके चेक करते हैं फ़ोन ऑन हुआ कि नहीं हुआ। जो बता रहे थे दोस्तों, ज़्यादातर सेट में PMI 80 से 91 सेट में मदरबोर्ड का दूसरी जगह पर शॉर्ट रहता है, लेकिन हीट जो है वो PMI होता है, क्योंकि PMI से होते हुए PMI से ही पूरा उस आपको दिखा दिए बोर्डियो में कहाँ कहाँ पर वोल्टेज जाता है। ठीक है, तो कोई भी एक सेक्शन शॉर्ट होने से ही PMI हीट होगा। देख सकते हैं दोस्तों मेरा फ़ोन जो है प्रॉपरली ऑन हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।